जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, संदीप गर्ग के अकॉर्डिंगली, उसी को कंटिन्यू रखेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। उसी में आगे एक और लो हमें पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लो है, 3 or 4 मार्क्स में हमेशा आता है, नाम है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस लो में हम लोग को क्या स्टडी करना है, क्या क्या इसकी अजम्पशन है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आज की क्लास के बाद आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटा उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें। तो बेटा शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई भी लो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे यानी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर हर लो जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो दूसरे नंबर पर हमें इनकी अजम्पशंस लिखनी चाहिए कि इस लो में हमें क्या क्या अजम्पशंस लेकर चलनी पड़ेगी। तीसरा, फिर हम इसका शेड्यूल, फिर फोर्थ डायग्राम, ये सब बनाएंगे और फिर शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमेशा जब भी ये लो आ जाए बेटा, तो आपको इसी स्टेप में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस बताना है, फिर उसके अजम्पशन, फिर शेड्यूल, फिर डायग्राम, और फिर एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है, तो बेटा हम लोग भी स्टार्ट करके देखते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं कैसे इसको मेक। देखिए जो लो है, ठीक है, देखिए इसको इसके नाम के अकॉर्डिंगली ही आपको एक्सप्लेन करना है। क्या नाम है? लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि ये जो लो है, ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी के बिहेवियर को दिखाता है। ये आपको बताता है कि जैसे जैसे अ कंज्यूमर विल गो फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज डिक्लाइन। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन अ कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव from the consumption of an additional unit will always diminish और डिक्लाइन। कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेगा, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती जाएगी। यही बताता है आपको लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम समझिए, लो ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, यानी हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा कम होती है, यही आपका लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी। पहली रोटी खाओगे तो आपकी यूटिलिटी होगी सबसे ज्यादा, उसके बाद जब दूसरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, रोटी खाओगे चपाती खाओगे तो आपको उससे कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, तीसरी से और कम मिलेगी, यही आपको बताता है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है बेटा? वैसे तो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बहुत सारी अजम्पशंस हैं, बट कुछ मेन मेन अजम्पशंस हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की। पहली अजम्पशन है बेटा, कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले आप ये मानकर चलेंगे, अगर आपको ये लो स्टडी करना है, कि जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स है इट विल बी कॉन्टिन्यूस, वो लगातार होगा। ये नहीं बेटा कि एक चपाती आपने सुबह खा ली, फिर आप स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद भूख लगी थी ज्यादा, तो आपने फिर एक चपाती खा ली और आप कह रहे हो कि भाई जो सेकंड चपाती मैंने खाई है उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है और पहली वाली से कम मिली है, तो ये लो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले एक चपाती खाओगे उसके जस्ट बाद आपको दूसरी चपाती कंज्यूम करनी है, उसके जस्ट बाद आपको तीसरी चपाती कंज्यूम करनी है, तो आपको पता लगेगा कि जो पहली चपाती थी उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी थी बेटा वो सबसे ज्यादा थी, दूसरी में उससे कम और तीसरी में उससे और कम। तो इसको कहते हैं कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूस, ये हमें मानकर चलना ही पड़ेगा, इसके बिना ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सेकेंड जो है बेटा वो है कमोडिटी और गुड्स मस्ट बी होमोजीनियस। जो गुड्स आप कंज्यूम करें ना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो होमोजीनियस होनी चाहिए बेटा, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग शादी में गए, अब शादी में भीड़ थी ज्यादा, ठीक है, पसंद तो आपको नान है बट नान मिल नहीं रहे थे क्योंकि तंदूर तो एक ही लगा था, तो आपने क्या किया, पहले खा ली पूरी, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नान भी आ गया और आप कह रहे हो कि भाई जो सेकंड यूनिट मैंने कंज्यूम की है, ठीक है, यानी नान, उससे मुझे मिली है सेटिस्फेक्शन ज्यादा और पहली वाली से मिली है कम, तब बेटा ये लो अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले अगर आपने पूरी खाई है तो दूसरी भी आपको क्या कंज्यूम करनी पड़ेगी, पूरी कंज्यूम करनी पड़ेगी। पहला अगर आपने नान खाया है तो दूसरा भी आपको क्या कंज्यूम करना पड़ेगा बेटा, नान ही कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी ये लो अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लो अप्लाई नहीं होगा। गुड्स मस्ट बी होमोजीनियस, होमोजीनियस होनी चाहिए एक जैसी। ठीक है, पहली चपाती खा रहे हो तो दूसरी भी चपाती ही खानी है, ये नहीं कि भैया दूसरा तो स्टफ नान खा लिया, पहली चपाती खा ली फिर कह रहे हो कि जी दूसरे वाली ना उसने बहुत सेटिस्फेक्शन दी, पहली वाली ने कम दी, लो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, अब बात करते हैं तीसरी अजम्पशंस की बेटा। तीसरा अजम्पशंस है, हैव टू कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट्स, हैव टू कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये क्या है भैया स्टैंडर्ड यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ चपाती, नॉट अ बाइट ऑफ चपाती, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कप ऑफ टी, नॉट अ सिप ऑफ टी। हम एक कप चाय की बात कर रहे हैं कि पहले एक कप चाय पीनी है और उसके जस्ट बाद आपको दूसरी कप ऑफ चाय पीनी है, ये नहीं कि आपने पहले एक सिप ली फिर आपने कहा यार पहली वाली से तो ज्यादा मजा नहीं आया, फिर दूसरी पी तो उसके बाद थोड़ा सा आपको अच्छा लगा, क्योंकि सिप के केस में क्या होगा, पहली सिप में तो आपको टेस्ट का भी फील नहीं आता, दूसरी सिप में आपको टेस्ट का थोड़ा सा और फील आएगा, तीसरी सिप में और ज्यादा आएगा, तो यहां पर भी ये लोग काम नहीं करता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ बाइट ऑफ चपाती, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिप ऑफ टी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ चपाती, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कप ऑफ टी। जब हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे कॉन्टिन्यूसली, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे वो भी कंटीन्यूअसली, ओनली इन दैट सिचुएशन दिस लॉ विल बी अप्लाइड, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो ये थी इसकी मेन मेन तीन अजम्पशंस, अजम्पशंस और भी हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दीस थ्री अजम्पशंस, ये तीन आपको लिख देनी है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल्ड एंड डायग्राम, बात करेंगे अपने शेड्यूल्ड और डायग्राम की। अब देखिए जो हमारा शेड्यूल है वो कैसे बनेगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, पहली यूनिट तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 10, दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो 8, तीसरी यूनिट कंज्यूम की तो 6, फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो 4, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो
टू, सिक्स यूनिट कंज्यूम की तो जीरो और सेवन यूनिट कंज्यूम की तो माइनस टू। ठीक है, यही शेड्यूल हमने पहले बनाया था। तो अब बात करते हैं डायग्राम की, फ्लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का। तो ये एक्स, ये ओ, ये वाई, यहां पे आप लिखेंगे क्वांटिटी, यहां पे लिखेंगे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज योर एमयू एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका सिक्स यूनिट, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका सिक्स यूनिट। ठीक है, अब हमने शेड्यूल और डायग्राम दोनों बना लिया, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड डायग्राम वी कैन सी, ठीक है, व्हेन अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इज 10। जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी बेटा कितनी है, 10। ठीक है, फिर जब आप एडिशनल यूनिट के लिए गए तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है बेटा, 8 है। क्लियर, फिर जब आप तीसरी के लिए गए तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना बेटा, 6। फिर नेक्स्ट वन के लिए गए तो 4 पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी है 4। ठीक है, और जब आप 5 के लिए गए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 2। ठीक है, 6 पे 0 और 7 पे माइनस 2, 7 पे माइनस 2। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, यही चीज हमें बतानी है बस, कि we can see that from first unit of good x a consumer is getting 10 marginal utility, but when he will go for additional unit he will consume second unit, then the marginal utility will decline from 10 to 8. For another additional unit, that is unit 3, the marginal utility will decline from 8 to 6. ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड इन द सेम मैनर इफ कंज्यूमर विल कंटिन्यू विद द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, ठीक है, द मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम 0 एट 6 यूनिट, और अल्टीमेटली इफ ही विल गो फॉर एन एडिशनल यूनिट तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव माइनस 2। कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा तो हर बार एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाएगी। पहली यूनिट से आपको 10 मिल रही है, फिर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो 8 मिलेगी, फिर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो बेटा आपको 6 मिलेगी, फिर 4, फिर 2, और फिर भी करेगा तो 0, और उसके बाद भी कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम नेगेटिव, घटकर, ठीक है, माइनस 2 हो जाएगी। तो यहां पर आप इस शेड्यूल डायग्राम से आप दिखा सकते हो कि कैसे कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जा रहा है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। एक चीज ध्यान रखनी है, ये शेड्यूल डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं है अगर आपने इसको एक्सप्लेन ना किया तो, एक्सप्लेन में आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये सारा हमारा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही, यही लॉ आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय श्री श्याम।